नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं एवन टीवी। एवन टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, दिसंबर के इख्तिताम तक स्कूल और पीयू कॉलेज बंद रहेंगे। कई अफराद का यह सवाल था, स्कूल कब खुलेंगे। आज बेंगलुरु में माहिरीन की एक कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इस सवाल का जवाब तलाशा गया। इजलास के बाद वजीर आला येडियुरप्पा ने ऐलान किया कि दिसंबर के इख्तिताम तक स्कूल और पीयू कॉलेज बंद रहेंगे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर से माहिरीन की इस कमेटी का इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें अगला फैसला लिया जाएगा। कोरोना की वजह से इस तालीमी साल में स्कूलों का आगाज ना हो सका। बार बार ये सवाल गश्त कर रहा है कि स्कूल कब खुले जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने महकमे सेहत के माहिरीन और महकमे तालीमत के माहिरीन की एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि वो रियासत में कोरोना के सूरत हाल को ध्यान में रखकर तालीम के मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। कमेटी की रिपोर्ट पर इजलास मुनाकिद किया गया था, जिसके बाद वजीर आला ने ऐलान किया कि दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जमात अव्वल तक 8वीं जमात तक के तुलबा के लिए इस तालीमी साल को रद्द किया जाएगा। SSLC और PUC इम्तिहान के लिए एक मंसूबा बनाया जाएगा। जल्द ही इस मंसूबे का और तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। बहरहाल ये तय हो गया है कि 2021 तक स्कूल नहीं खुलेंगे, और ऐसा लग रहा है कि जमात अव्वल तक हस्तुम के तुलबा बगैर इम्तिहान के ही इस साल का कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारे इन तमाम खबरों को डेन चैनल 744 पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।